नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया पहला वनडे मुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे वनडे श्रृंखला के पहले और सबसे रोमांचक वनडे मुकाबले में फिर एक बार क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार हार्दिक पांड्या की भारतीय टीम के सामने स्टीव स्मिथ की ऑस्ट्रेलिया की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में भारत के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से ऑस्ट्रेलिया की दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। ट्रेविस हेड और मिशेल मार्श के कंधों पर अपनी टीम को इस महामुकाबले में एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया की टीम की उम्मीदों को शुरुआती ओवरों में ही तोड़ दिया और पारी का दूसरा ही ओवर डालने आए मोहम्मद सिराज ने ट्रेविस हेड को क्लीन बोल्ड कर दिया। आपको बता दें कि ट्रेविस हेड 10 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हुए। ट्रेविस हेड के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से कप्तान स्टीव स्मिथ बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहाँ से सेट हो चुके मिशेल मार्श और स्टीव स्मिथ ने ऑस्ट्रेलिया की पारी को संभाला और एक मजबूत साझेदारी बनाना शुरू कर दी। दोस्तों स्टीव स्मिथ और मिशेल मार्श की ये जोड़ी बेहतरीन फॉर्म में दिखाई दे रही थी। खास करके मिशेल मार्श ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी पर लगातार बड़े शॉट खेल रहे थे, जिस वजह से लगातार दबाव भारतीय गेंदबाजी पर बढ़ रहा था। इसी बीच मिशेल मार्श और कप्तान स्टीव स्मिथ ने अपनी अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली। दोनों ही खिलाड़ी मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे। मिशेल मार्श और कप्तान स्टीव स्मिथ ने मिलकर लगभग पारी के 12वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 77 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी का 13वां ओवर डालने भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या ने सेट हो चुके ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ को केएल राहुल के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि स्टीव स्मिथ 30 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हुए। एक बेहतरीन साझेदारी के बाद फिर एक बार ऑस्ट्रेलिया की टीम को भारतीय गेंदबाजी ने दबाव में डाल दिया था, लेकिन विकेट गिरने के बाद सेट हो चुके मिशेल मार्श का साथ देने ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से मार्नस लाबुशेन मैदान में उतरे और फिर एक बार मिशेल मार्श और मार्नस लाबुशेन अपनी टीम के लिए साझेदारी बनाना शुरू कर दी। इसी बीच लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे मिशेल मार्श ने अपना लाजवाब अर्धशतक पूरा कर लिया। दोस्तों अर्धशतक पूरा करने के बाद मिशेल मार्श भारतीय गेंदबाजी पर एक के बाद एक लगातार बड़े शॉट खेल रहे थे, जिस वजह से कप्तान हार्दिक पांड्या बहुत ही ज्यादा दबाव में दिखने लगे थे। आपको बता दें कि भारतीय टीम का कोई भी गेंदबाज मिशेल मार्श को रोक नहीं पा रहा था, लेकिन फिर पारी का 20वां ओवर डालने आए रविंद्र जडेजा ने अपनी इस ओवर की चौथी गेंद पर सेट हो चुके मिशेल मार्श को मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि मिशेल मार्श 65 गेंदों में 81 रनों की शानदार पारी खेल आउट सेट हो चुके मिशेल मार्श के आउट हो जाने की वजह से कहीं ना कहीं भारतीय टीम को एक बड़ी सफलता मिल चुकी थी। भारतीय गेंदबाज फिर एक बार फॉर्म में वापसी कर रहे थे। विकेट गिरने के बाद सेट हो चुके मार्नस लाबुशेन का साथ देने जोश इंग्लिश मैदान में उतरे, लेकिन उनके साथ ही खिलाड़ी मार्नस लाबुशेन उनका साथ ज्यादा देर तक नहीं निभा पाए और पारी का 23वां ओवर डालने आए कुलदीप यादव ने सेट हो चुके मार्नस लाबुशेन को रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि मार्नस लाबुशेन 22 गेंदों में 15 रन बनाकर वो भी पवेलियन चलते बने। ऑस्ट्रेलिया की टीम निरंतर अंतराल के बाद अपने बड़े खिलाड़ियों को लगातार खोती जा रही थी। धीरे धीरे भारतीय टीम की गेंदबाजी ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी पर हावी होती जा रही थी। विकेट गिरने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से कैमरन ग्रीन बल्लेबाजी करने मैदान में आए, लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे जोश इंग्लिश को पारी के 28वें ओवर की 5वीं गेंद पर मोहम्मद शमी ने क्लीन बोल्ड कर दिया। आपको बता दें कि जोश इंग्लिश 27 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हुए, तो वहीं मोहम्मद शमी कैमरन ग्रीन को भी क्लीन बोल्ड करके ऑस्ट्रेलिया की टीम को पूरी तरह बैकफुट पर ढकेल दी। कैमरन ग्रीन 19 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हो। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने देखते ही देखते अपने 6 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को 174 रनों पर ही खो दिया था। भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी के घमंड को चकनाचूर करके रख दिया था, लेकिन दोस्तों अब दो विकेट लगातार खोने के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से ग्लेन मैक्सवेल और मार्कस स्टोइनिस बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में, लेकिन फिर पारी के 32वें ओवर में मार्कस स्टोइनिस को मोहम्मद शमी ने शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि मार्कस स्टोइनिस 8 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हुए, तो वहीं उसके अगले ही ओवर में ग्लेन मैक्सवेल को रविंद्र जडेजा ने हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि ग्लेन मैक्सवेल 10 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गए।
मोहम्मद शमी की आग उगलती गेंदों के सामने कोई भी ऑस्ट्रेलिया का बड़े से बड़ा बल्लेबाज भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम अब दबाव में चल रही थी। फिर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया टॉप ऑर्डर भी कुछ बढ़िया प्रदर्शन नहीं करते दिखा। जी हाँ दोस्तों, और ऑस्ट्रेलिया की निचले क्रम की बल्लेबाजी थोड़ी देर के लिए भी नहीं टिक पाई। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को भारतीय गेंदबाजी ने ऑल आउट कर दिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 188 रनों का लक्ष्य भारतीय टीम के आगे रखा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम से मिले 189 रनों के लक्ष्य का पीछा कर भारतीय टीम के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। ईशान किशन और शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन भारतीय टीम की इन उम्मीदों को ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाजी ने पारी के शुरुआती ओवरों में ही तोड़ दिया और पारी का दूसरा ओवर डालने आए मार्क स्टोइनिस ने ईशान किशन को LBW आउट करा दिया। आपको बता दें कि ईशान किशन 8 गेंदों में 3 रन बनाकर आउट हो। ईशान किशन के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब भारतीय टीम की तरफ से विराट कोहली बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन फिर विराट कोहली को पारी के 5वें ओवर मिशेल स्टार्क ने LBW आउट करा दिया। आपको बता दें कि विराट कोहली 9 गेंदों में बस 4 रन बना पाए। विराट कोहली का विकेट मिलने के बाद मिशेल स्टार्क की गेंदबाजी और भी ज्यादा घातक हो चुकी थी और फिर अभी भारतीय टीम विराट कोहली जैसे बड़े सदमे से उबर भी नहीं पाई थी कि उसके अगली ही गेंद पर मिशेल स्टार्क ने नए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव उनकी पहली ही गेंद पर LBW आउट करा दिया। आपको बता दें कि सूर्य कुमार यादव बिना खाता खोले ही आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया की घातक और तेज गेंदबाजी के सामने भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर पूरी तरह बेबस लगने लगा था। मिशेल स्टार्क ने तो भारतीय टीम की इस मुकाबले में कमर ही तोड़ दी थी, लेकिन सूर्य कुमार यादव के आउट हो जाने के बाद अब भारतीय टीम की तरफ से KL राहुल बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर KL राहुल और शुभमन गिल ने मिलकर भारतीय पारी को संभालने की पूरी कोशिश कर, लेकिन फिर एक बार गेंदबाजी डालने आए मिशेल स्टार्क ने सेट हो चुके शुभमन गिल को भी महानस लाभुशेन के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि शुभमन गिल 31 गेंदों में महज 20 रन बनाकर आउट हुए। मिशेल स्टार्क ने इस मुकाबले में भारतीय टीम की टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी थी। जी हाँ, भारतीय टीम ने लगभग 11 ओवर में ही अपने टॉप ऑर्डर के 4 बल्लेबाजों को खो दिया था और स्कोर बोर्ड पर बस 39 रन लगे हुए थे। यहां से भारतीय टीम का इस मुकाबले में वापसी करना लगभग नामुमकिन लग रहा था, लेकिन विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए भारतीय कप्तान पांड्या ने, जी हाँ हार्दिक पांड्या ने KL राहुल के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभाला और मिशेल स्टार्क की आग उगलती हुई गेंदों पर जम के बल्लेबाजी करी। तो वहीं उनका साथ दे रहे KL राहुल भी इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में दिखाई दी। दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने भारतीय टीम के लिए, जी हाँ अब भारतीय टीम के लिए इन दोनों ही बल्लेबाजों की साझेदारी खड़ा करना भी शुरू कर दिया था। धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी अब दबाव महसूस करने लगी थी। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ अपने गेंदबाजों से ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे थे। KL राहुल और कप्तान हार्दिक पांड्या की लाजवाब बल्लेबाजी ने भारतीय टीम को दबाव से बाहर निकाला था। कप्तान हार्दिक पांड्या और KL राहुल दोनों ने मिलकर लगभग पारी के 19वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 83 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी का 20वां ओवर डालने आए मार्क स्टोइनिस ने सेट हो चुके भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या को कैमरन ग्रीन के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या 31 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट हो। भारतीय कप्तान के एक नाजुक मौके पर आउट हो जाने की वजह से फिर एक बार भारतीय बल्लेबाजी दबाव में थी। ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी ने लगभग 83 रनों पर भारतीय टीम के 5 बल्लेबाजों को आउट कर दिया था, लेकिन कप्तान हार्दिक पांड्या के आउट हो जाने के बाद अब भारतीय टीम की तरफ से रविंद्र जडेजा सेट हो चुके KL राहुल का साथ देने मैदान में उतरे और फिर यहां से सेट हो चुके KL राहुल और रविंद्र जडेजा ने फिर एक बार भारतीय पारी को संभाला और एक मजबूत साझेदारी बनाना शुरू कर दी। मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके KL राहुल इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं उनका साथ देने मैदान में उतरे रविंद्र जडेजा भी उनका साथ बाखूबी निभा रहे थे। दोनों ही खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी को जमकर टक्कर दी और अपनी टीम के लिए साझेदारी बनाना जारी रखा। खास करके दोस्तों, इस मुकाबले में खराब फॉर्म से जूझ रहे KL राहुल ने भारतीय टीम के लिए सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया। जिस KL राहुल को खराब फॉर्म के चलते टीम में खिलाने पर भी सवाल बन रहे थे, उस KL राहुल ने
अपने अकेले के दम पर इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक टीम के सामने लाजवाब बल्लेबाजी करके दिखाई। तो वहीं भारतीय टीम के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर यानी रविंद्र जडेजा ने उनका साथ निभाते हुए इस साझेदारी को और भी ज्यादा मजबूत बनाया। आपको बता दें कि टॉप ऑर्डर जल्दी आउट करने के बाद ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी खुद को जीता हुआ समझने लगी थी, लेकिन रविंद्र जडेजा और केएल राहुल की इस लाजवाब बल्लेबाजी ने ऑस्ट्रेलिया के इस घमंड को भी चकनाचूर कर दिया। इसी बीच इन दोनों ने अपनी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। तो वहीं अर्धशतकीय साझेदारी पूरी होने के तुरंत ही बाद केएल राहुल ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया और फिर अर्धशतक लगाकर बल्लेबाजी कर रहे केएल राहुल अब अपने हाथ खोलना भी शुरू कर दिया और ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेल के दिखाए। रविंद्र जडेजा और केएल राहुल की इस लाजवाब साझेदारी ने भारतीय टीम को अब दबाव से पूरी तरह बाहर निकाल दिया था। पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी इन दोनों की साझेदारी को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी, जी हाँ पूरी जी जान लगा रही थी, लेकिन केएल राहुल और रविंद्र जडेजा रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। और फिर अंत इसी के चलते भारतीय टीम ने रविंद्र जडेजा और केएल राहुल की इस लाजवाब साझेदारी की बदौलत 5 विकेट से इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। दोस्तों इस लगभग हारे हुए वनडे मुकाबले में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराकर इतिहास रच दिया है। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम की इस रोमांचक जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई केएल राहुल, जिन्होंने खराब फॉर्म में होने के बावजूद भारतीय टीम के लिए लाजवाब बल्लेबाजी करके दिखा। एक समय पर भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर के 5 बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी जल्द से जल्द आउट कर दिए थे, लेकिन वहीं पर केएल राहुल ने आकर अपनी टीम के लिए लाजवाब बल्लेबाजी करके दिखाई। केएल राहुल ने इस मुकाबले में 91 गेंदों में 75 रनों की शानदार पारी खेली और इसी की बदौलत भारतीय टीम ये रोमांचक मुकाबला जीत पाई। तो दोस्तों आप केएल राहुल की इस लाजवाब पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।